गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स, टूडे वी विल डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 57 एंड दिस वर्कशीट फॉर 24th of November 2020। सो हेयर राइट नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजन्स वाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम लेस प्रोडक्टिव। जो नीचे पाई चार्ट दिया गया है वो हमें ये बताता है जो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव क्यों होता जा रहा है, यानी उसमें जब कृषि की जो मात्रा होती है वो कम क्यों हो रहा है उस लैंड पे। द टेबल शोज हाउ दिस कॉज दिस अफेक्टेड थ्री रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। यानी टेबल जो दिखा रहा है, जो तीन रीजन है मेन जो 1990 के दशक में, 1990 के टाइम में जो है ना क्या हुआ, जो अफेक्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर। इसको सिलेक्ट करना और इस पर रिपोर्ट कर तैयार करना, रिपोर्ट करना यानी उस पर बताना है आपको, ठीक है। एंड मेक द कंपेरिजन, उसका कंपेरिजन लिखना है आपको। एंड राइट एनालिटिकल पैराग्राफ बाई समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इसको समराइज करके, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। जो वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन है वो कौन कौन से कॉजेस है उसको हम देखते हैं। ओवर ग्रेजिंग यानी पशु के चरने से जो लैंड डिग्रेडेशन है वो 35% है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 35% है पशु के चरने से। एंड डेफॉरेस्टेशन यानी यहाँ देखिए ये पेड़ है, ठीक है, ये छोटे छोटे पेड़ यानी पेड़ की जो लगातार कटाई हो रही है उसे डेफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी काटे जा रहे हैं अधिक मात्रा में और लगाए बहुत कम जा रहे हैं। तो इस डेफॉरेस्टेशन से 30% जो हमारा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट। अब देखिए ओवर कल्टीवेशन, ओवर कल्टीवेशन से 28% हो रहा है। ओवर कल्टीवेशन यानी उस पर क्या होता है बच्चों, जो खेती होती है ना, वो क्रॉप प्रोडक्शन होती है ना, उस पर बार बार जो है ना, मतलब एक टाइम में ही इंसान सोचते हैं जो दो तीन फसल उगा ले, ठीक है, तो ये ओवर कल्टीवेशन होता है। और उसमें क्या होता है, उसकी जो जुताई वगैरह होता है बार बार करने लगते हैं, राइट। तो ओवर कल्टीवेशन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम सोचते हैं जिसमें क्रॉप का प्रोडक्शन कर ले। और अदर्स जो है वो 7% है जो हमारा कॉजेस है लैंड डिग्रेडेशन का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना फ्रेंड्स 100% हो गया। अब आगे हम देखते हैं कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाई रीजन। अब देखिए रीजन के अकॉर्डिंग जो कॉजेस है लैंड डिग्रेडेशन वो क्या क्या है, इसे हमें प्रॉपर वे में समझना है। तो रीजन, ये रीजन दिया हुआ, ये परसेंटेज दिया हुआ डिग्रेडेटेड बाई। सो नॉर्थ अमेरिका में डिफॉरेस्टेशन से 0.2 डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। एंड ओवर कल्टीवेशन से 3.3, ओवर कल्टीवेशन से 3.3 एंड ओवर कल्टीवेशन और ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो है ना क्या होता है, उसको से जो 1.5% होता है और टोटल लैंड डिग्रेडेटेड मीन्स 5%, टोटल लैंड डिग्रेडेटेड से कितना हो रहा है, 5%, राइट। अब हम यूरोप में देख रहे हैं, यूरोप में जो डिफॉरेस्टेशन है वो 9.8% है एंड ओवर कल्टीवेशन से 7.7% है एंड ओवर ग्रेजिंग से 5.5% है एंड टोटल लैंड डिग्रेडेटेड से 2-3% है। ओशियाना में क्या है फ्रेंड्स, जो इसमें डिफॉरेस्टेशन से 1.7% जो क्या है इसमें लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है।
और 0% ओवर कल्टीवेशन से। तो ओशियाना एक ऐसा मतलब वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, जिसमें कम हो रहा है। और 11.13 ओवर ग्रेजिंग से ये ज़्यादा यहाँ हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन, और 13% यहाँ पे किससे है, तो टोटल डिग्रेडेशन से, ठीक है, टोटल कितना 13% है। तो आई होप आपको ये चार्ट आपको कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजंस ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इस पे क्या करना था, हमें करना था इसमें जो यहाँ देखिए कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन पे आपको पैराग्राफ लिखना है, राइट। तो उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अच्छे से लिखा, आई होप आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। द कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने जो स्टडी है, क्लास 10th के स्टूडेंट है, आप रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है, तो आप अपने स्टडी को जो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू बूस्टअप करते रहें। चलिए, तो कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन इज ए मेजर सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये लैंड डिग्रेडेशन कैसा सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन द सेंस ऑफ जो ये इंसान के द्वारा मैक्सिमम नंबर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ ये लैंड डिग्रेडेशन जो है ना स्टार्टअप होती है, और इंसान ही इसका रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में। डेट इन्फ्लुएंसेस द क्रिटिकल एनवायरनमेंट इशू सच एज द फूड सिक्योरिटी रिड्यूस प्रोड्यूस। अब ये लैंड डिग्रेडेशन से क्या हो रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो फूड में की सिक्योरिटी में, उसके बाद प्रोडक्टिविटी में, इस सब में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये प्रभावित हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन से ये सारे एरिया। डिमिनिश्ड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर, डिमिनिश्ड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर, और जो क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। रिसोर्सेज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और ये वर्ल्ड वाइड जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है वो वर्ल्ड वाइड जो हमारा जो जलवायु है वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, यू नो अबाउट दिस। द मेजर कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड द लैंड क्लियरेंस। मेजर जो कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का उसमें कौन सा है, लैंड क्लियरेंस, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, और इन अप्रोप्रिएट इरीगेशन, जो इरीगेशन होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता, अच्छे तरीके से इरीगेशन नहीं होता है, इन अप्रोप्रिएट होता है, अर्बन स्प्रॉल एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट, और कमर्शियल डेवलपमेंट के पर्पज़ से हम करते हैं जो अधिकतर जो हमारा क्रॉप, इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है। एंड लैंड पॉल्यूशन इंक्लूडेड इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट, और इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो है ना क्या हो रहा है फ्रेंड्स, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द क्वेरिंग ऑफ स्टोन एंड द सैंड एंड मिनरल से। द गिवन टेबल डाटा, जो टेबल डाटा है सोज वो दिखाता है डैट द परसेंटेज ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन इन द 3 रीजन ड्यूरिंग द 1990, नेमली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशियाना। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ओशियाना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, जैसे इसी को मैंने अभी बताया डिफॉरेस्टेशन परसेंटेज क्या है, नॉर्थ अमेरिका में 0.2%, ओवर कल्टीवेशन से 3.3%, 1.5% ओवर ग्रेजिंग से, और टोटल 5% है। यूरोप में कितना, 9.8% डिफॉरेस्टेशन, 7.7% ओवर कल्टीवेशन एंड 5.5% ओवर ग्रेजिंग एंड टोटल 23%। एंड ओशियाना में क्या है, 1.7% एंड ओवर कल्टीवेशन से 0% एंड ओवर ग्रेजिंग से 11.3% एंड ओवरऑल 13% है। तो इस डेटा को आपको ध्यान में रखना है, राइट।
तो आइए इसे हम जी फ्रेंड्स, ओसिनिया एक ई हटा दीजिएगा, ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ई को आप ख़त्म कर दीजिएगा, साइड कर दीजिएगा और फिर आप लिख लीजिएगा। तो यूरोप एंड ओशियाना, अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा इट कैन बी सीन क्लियरली डैट द यूरोप इज बैडली डिग्रेडेड बाई 23%। यूरोप जो है ना, इस डेटा में सबसे ज़्यादा जो लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? यूरोप में। एंड यूरोप इज डिग्रेडेटेड बाई द डिफॉरेस्टेशन, और सबसे मैक्सिमम यूरोप में जो डिग्रेडेशन हुआ 9.8% हुआ है। ये मैक्सिमम नंबर में क्या हुआ? डिग्रेडेशन हुआ, यानी लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है, जबकि 7.7% इज अफेक्टेड थ्रू द ओवर कल्टिवेशन, और इसमें 7.7% किससे है फ्रेंड्स? कल्टिवेशन से है। एंड फाइनली 5.5% बाई ओवर ग्रेजिंग से है। कितना? 5.5% ओवर ग्रेजिंग से है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका इज अफेक्टेड थ्रू द पाई चार्ट 5% एंड यूरोप इज अफेक्टेड 23%, यानी नॉर्थ अमेरिका ओनली 5% अफेक्टेड है एंड यूरोप 23% अफेक्टेड है। सो यूरोप इज बैडली अफेक्टेड, इसलिए यूरोप जो है ना काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आप देख, आप इसको प्रिवेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है? ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है? तो प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, तो स्ट्रीप फार्मिंग करके, ठीक है? स्ट्रीम फार्मिंग जो इस तरह से फार्मिंग होती है, ठीक है? क्रॉप रोटेशन यानी अलग अलग फसल एक खेत में जो है ना क्या करते हैं, अलग अलग फसल करके आप उसको लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम, डैम बना करके आप रोक सकते हैं। कंटूर फार्मिंग जो पंक्ति में खेती होती है उसको से आप क्या कर सकते हैं? लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। एंड रीज एंड फ्यूर फार्मिंग, इससे भी आप क्या कर सकते हैं? इसे रोक सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।